हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमारी वृंदावन की आपको हमने मतलब दिखाया था कि वृंदावन में हम कहाँ कहाँ घूमे थे इस्कॉन टेम्पल में। बट इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग घर से कैसे ट्रेवल किए थे। तो यहाँ पे देखिए, हम मेट्रो से गए थे सबसे पहले। मजा आ रहा है? तो ये देखिए, हम लोग मेट्रो से उतरे और स्टेशन पर हमने मतलब ट्रेन ली और ट्रेन से हम गए थे वहाँ पे। ज़्यादा तो नहीं बट 1.5 घंटे का टाइम लगा था हमें। तो स्टेशन से उतरने के बाद हम लोग पहुँचे मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन से हमने एक गाड़ी करी, गाड़ी में मतलब हमने ऑटो किया। ऑटो ने हमें आगे तक झटिकरा तक छोड़ा, तो वहाँ से हमें ई रिक्शा करना पड़ा। ई रिक्शा हमें वहाँ पर प्रेम मंदिर के पास तक ले जाने को तैयार। तो हम उसमें हम रास्ते में जितने मंदिर आए हमने सबको कैप्चर किया अपने साथ, ताकि आपको दिखा सके कि हम इसमें रास्ते में कौन कौन से मंदिर आते हैं। इसके बाद आगे आता है कि वृंदावन में आपका स्वागत है। इसके बाद जो है वृंदावन के से आधा किलोमीटर पहले ही हमें उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं होती। तो वहाँ से हम लोगों ने उठाया अपना बैग और निकल पड़े वृंदावन की तरफ, प्रेम मंदिर की तरफ। साइड में राधा रानी जी का मंदिर और भी काफ़ी सारे मंदिर आ रहे थे। पर इधर क्या है कि अगर आप दूसरी साइड से आते हो तो आपको जस्ट प्रेम मंदिर के बाहर मतलब थोड़ी सी दूर पर उतारा जाएगा। अगर आप जिस साइड से हम आए हैं झटिकरा साइड से, उस साइड में आपको आधा किलोमीटर आपको पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। कोई रिक्शा वगैरह अंदर नहीं आता। हम चल पड़े थे बिल्कुल साथ में। इसके बाद रास्ते में एक और मंदिर आया, यहाँ पे भी श्री कृष्ण जी राधा रानी जी की मूर्ति लगी हुई थी, जगन्नाथ करके मंदिर है ये। फिर हम चल पड़े आगे की तरफ। बच्चे कह रहे थे कि कितने कितनी दूर चलाओगे, पर चल पड़े हम सस्ते। इसके बाद हमने जैसे आगे पहुंचे तो जैसे चलते चलते हमें प्रेम मंदिर के पास किसी ना किसी तरह पहुंच गए। यहाँ पहुंच के हमने सांस में सांस ली कि भैया अब तो मंदिर आ गया। पर मंदिर जाने के टाइम में क्या था कि हम लोग थोड़ा सा देर आए थे, तो मंदिर यहाँ के 12 बजे सारे बंद हो जाते, तो भीड़ बहुत लगी। तो सबसे पहला काम हमारा ये था कि सबसे पहले हमें होटल ढूंढना था, क्योंकि हम चल के बहुत थक गए थे और लगातार ट्रेवल ही करके आए हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। प्रेम मंदिर के बाहर इतनी भीड़ थी, इतना ज़्यादा क्राउड था, हम लोग देख के दंग रह गए कि मतलब खाली प्रेम मंदिर में जाने के लिए इतने सारे लोग बाहर वेट कर रहे थे अंदर जाने के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि वृंदावन में, पूरे वृंदावन में 12 बजे दिन में 12 बजे जो है सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और शाम को 4 बजे ही खुलते हैं। तो हम तो 3 या 3:30 बजे पहुँचे थे, तो उस टाइम मंदिर बंद थे। बट ये क्राउड इसलिए लगा हुआ है ताकि जैसे ही ये मंदिर खुले वैसे ही ये लोग अंदर एंटर कर लें। बट हम तो होटल ढूंढने के लिए जा रहे थे क्योंकि हम काफ़ी थके हुए थे, हमें फ्रेश भी होना था, तो हम निकल गए होटल ढूंढने के लिए। प्रेम मंदिर के हम आगे गए तो आगे एक और मंदिर था, तो हम सब लोग अपना बैग उठाए और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। इसके बाद हमने आगे जो है लोगों से होटल का पता किया कि यहाँ पे कौन सा होटल पास में हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर में। हम आपको बाद में घुमाएंगे, अभी हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर। फाइनली हमें होटल मिल ही गया। होटल मिलने के बाद हम लोग फ्रेश होकर शाम को हम लोग निकले बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए। तो रास्ते में हमें इस्कॉन टेम्पल मिला, जो कि लाइट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था रात का। मतलब यहाँ पे जो ना रात को और ज़्यादा मज़ा आता है, पूरी पूरी मार्केट सजी होती है, पूरा मतलब हलचल होता है, आपको ज़रा सा भी ये नहीं लगेगा कि आप यहाँ पर बोर हो रहे हैं। फिर हम 1 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचे बांके बिहारी के मंदिर, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था। इतना क्राउड था मतलब बहुत ही ज़्यादा। दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत
बहुत भीड़ है, बहुत रश है इस टाइम, तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आप भी आके देखो, मैं आगे का सीन आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो लाइन से सब लोग जा रहे थे, तो हम लोग भी अंदर की तरफ चल पड़े। टूडू भी हमारे साथ था। जैसे ही हम अंदर जाने लग गए तो सामने से एक आके हमारे को कहते हैं कि आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, तो उन्होंने हमारा कैमरा बंद करा दिया। उसके बाद हम सीधा वापस आकर हम लोग प्रेम मंदिर की तरफ चले। तो काफ़ी रात हो गई थी, हम प्रेम मंदिर पहुँचे। प्रेम मंदिर रात को जो चमकता है ना भाई साहब, इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। पर क्या था, हम लोग बहुत देर हो गए थे वहाँ पे, हमें आवाज़ दिया जाता है जल्दी जल्दी जी देख लो वरना ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो हम आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। फिर हम आगे की तरफ चले। आगे की तरफ जाने में क्या है कि मंदिर बंद होने वाला, तो हम लोगों ने जूते भी बाहर ही उतार दिए साइड में। इसके बाद हम आगे तो ये देखिए, ये है प्रेम मंदिर। यहाँ पे मतलब सब लोग ने तो देख लिया था, हम लोग दर्शन करना थोड़ा सा रह गए थे, तो हम लोग अंदर की तरफ पे जाएंगे। 9 बज गए हैं तो एंट्री बंद हो चुकी है। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कैसा है मंदिर, बहुत ही प्यारा है। अब यहाँ पे ये है, देखने में सामने से इतना अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा बाहर से उतना ही सुंदर अंदर से भी है। रात को इसमें लाइटिंग वगैरह मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके की लाइटिंग होती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और सामने की तरफ दूसरी तरफ जो है गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण जी, और बहुत सारी मतलब जो कृष्ण जी का लीला थी वो सब दिखा रहे थे। फिर हम चले अंदर की तरफ। अंदर की तरफ पहुँचे तो सामने फिर वही एक बार से हमारे साथ हो गया कि हमने जैसे ही अंदर की तरफ गए तो वॉचमैन जो होता है मंदिर का, उन्होंने हमें फिर से मना कर दिया कि आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। इसके बाद आपको आगे की वीडियो भी बताते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए। तो बाहर की तरफ आए तो रात के टाइम क्या है कि हमारे साथ तो रूडू था और दूसरा बच्चा इतना तेज था वो खो गया था, तो उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। ठीक है, तो अगले दिन हमारा चेकआउट था होटल से, तो उससे पहले हमने क्या किया, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया। यहाँ पे ये देखिए रूडू मंजीरे लेके बजा रहा था, तो इसे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद हमने खाना खा के शॉपिंग करी थोड़ी सी। तो हम कहीं भी जाएं, लेडीज़ों की शॉपिंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी, हर जगह जाएंगे तो इनको अपनी शॉपिंग करनी है। तो रूडू और मैं यहाँ पे खड़े खड़े बस इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी शॉपिंग कब ख़त्म होगी, पर इनकी शॉपिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो हम इधर उधर थोड़ा बहुत चलते रहे और मैं मंदिर को थोड़ा सा मतलब पास से कैप्चर कर रहा था, क्योंकि हम लोग दिन में नहीं गए थे, रात में गए थे और रात में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसके बाद हम चले अपने घर की तरफ।